नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, बोर्ड एग्जाम 2022 के रिजल्ट को लेकर मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। अब तक 6 राज्यों ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। साथियों, आज एक और राज्य इस लिस्ट में जुड़ चुका है। बोर्ड एग्जाम 2022 की बैठक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोवा राज्य ने अपना 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथियों, 7वां राज्य बन चुका है जिसने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। तमाम बाकी जितने भी राज्य बचे हैं वो भी अब रिजल्ट जारी करने ही वाले हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। साथियों, गोवा का 12वीं का रिजल्ट आया है और 92% बच्चे इसमें पास हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा परसेंट है। इस बार लगभग सभी बच्चों को ज़्यादातर पास ही किया जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाकर आंसर शीट के अंदर लेकर आए हैं। बात करूं बाकी राज्यों के रिजल्ट को लेकर, तो साथियों बाकी राज्यों के रिजल्ट में सबसे बड़ी दुविधा अभी वही बनी है जिसकी चर्चा मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं। मानदेय पुराना होने की वजह से कॉपियों की चेक करने में शिक्षकों ने मना कर रखा है और अभी तक वो संग्रहण केंद्र आपकी कॉपियां जांचने नहीं आई हैं। साथियों, 7 संग्रहण केंद्र हर जिले वाइज बनाए गए हैं और इसमें 150 टीचर्स लगाए गए थे कि आप कॉपियों की जाँच करें, लेकिन केवल 60% ही टीचर आ रहे हैं, बाकी के टीचर इसमें नहीं आ रहे हैं। यानी कि 60% आप मान सकते हैं, 150 में से केवल 90 टीचर ही आपकी कॉपियाँ जाँचने के लिए आ रहे हैं, बाकी के 60 टीचर्स ने मना कर दिया है कॉपियों को जांचने से। उसको लेकर गवर्नमेंट ने अपनी एक रिव्यू मीटिंग ली है और डिसाइड किया है कि आगे किस प्रकार इस समस्या का हल करें, वो अब एक या दो दिन में शायद हो जाए। इसी बीच खबर आई है देश के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट 2022 को लेकर कि उसकी डेट अगले सप्ताह जारी कर दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि 10 जून तक रिजल्ट आ जाए।